तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। संपत्ति बंटवारे को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद अब सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, जो काफी दिलचस्प कानून है। जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, वैसी व्यवस्था पर भारत में भी चर्चा होनी चाहिए। इसी के आधार पर सैम पित्रोदा संपत्ति के बंटवारे की वकालत कर रहे हैं। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you, in your generation, made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का एक्सरे कराएगी। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। कांग्रेस नहीं चाहती कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दें। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कांग्रेस से अपने घोषणा पत्र से सर्वे की बात को वापस लेने की मांग की है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस पित्रोदा के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान को उनका निजी विचार बताया है और कहा है कि उनके बयान को सनसनीखेज तरीके से पेश किया जा रहा है। दुनिया भर में उनका नाम है और वो जो विषय वो उचित समझते हैं, वो विषय जो महत्वपूर्ण समझते हैं, जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इस मामले पर जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है।
तो सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद गहराने के बाद उन्होंने सफाई दी है। पित्रोदा ने अपनी सफाई में कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी, किसने कहा कि ऐसा कुछ भारत में किया जाएगा। उन्होंने विरासत टैक्स का उदाहरण अमेरिका के लिए दिया था, क्या वो तथ्य नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है, इसका कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आर्थिक सर्वे की बात को दोहराया है। राहुल गांधी ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद ये जरूरी है और इसके लिए पहले जाति जनगणना होनी चाहिए, फिर आर्थिक सर्वे और फिर संस्थाओं का सर्वे। आप ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है, वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा, देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है, इस संस्था में इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने आदिवासी, वो सब संस्थाओं का होगा। तो ये एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मान लिए इसको। और मुझे लगता है कि 70 साल बाद ये एक जरूरी कदम है कि हम असेस करें कि 70 साल की आजादी के बाद आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए वो बेतुके बयान दे रहे हैं। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको। और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को। 13 राज्यों में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इनमें से कई राज्यों के जिलों में हीट वेव की संभावना है। ऐसे में क्या क्या सावधानी बरते, बता रहे हैं आईएमडी के साइंटिस्ट नरेश कुमार। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार हैं। सर, अगले दो दिन भारत के कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, किस तरह से मौसम कई राज्यों के अंदर आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ हीट वेव हो सकती है? देखिए, अगर आप हीट वेव का बात करें, अभी जो मेजरली हीट वेव का जोन है वो ईस्ट इंडिया है। अगर मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि इस समय वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हीट वेव की सीवियरिटी है, वहाँ के लिए हमने आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। उसका रीज़न क्या है, काफ़ी कंटिन्यूस मोर देन 5-6 डेज वहाँ हीट वेव प्रिवेल कर रहा है, उसके साथ सीवियरिटी भी है, सीवियर हीट वेव भी है, जो टेम्परेचर्स हैं नॉर्मल से वो 6.5 डिग्री से ज़्यादा हैं एक कुछ स्टेशंस पे, और इसके साथ मिनिमम टेम्परेचर्स भी अबव नॉर्मल्स हैं, कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी भी है। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमने इसके लिए रेड अलर्ट दे रखा है। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, उड़ीसा के लिए भी हीट वेव प्रिवेल कर रहा है, वहाँ पे हमने स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया में सीवियर हीट वेव का प्रोबेबिलिटी है, और इसके अलावा झारखंड का कुछ हिस्सा, एडजॉइनिंग एरिया, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, वहाँ भी हीट वेव का सिनेरियो है। और अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में भी हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करेंगे, और इसके साथ ही
कल के बाद उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव कंडीशंस आना स्टार्ट हो जाएगा और ऑलमोस्ट ये जोन में हीट वेव चलता रहेगा जहां जहां इलेक्शंस हो रहे हैं, जहां इवन इंडियन रेलवे के लिए भी हम जो स्पेशल बुलेटिन इशू कर रहे हैं, जैसे जहां जहां इलेक्शंस हैं अकॉर्डिंगली वहां हीट वेव है, तो हम पूरा अपना प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि वहां क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके लिए क्या आम जनता को वहां प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सिमिलरली इस साल से हमने इंडियन रेलवे के लिए भी स्पेशल बुलेटिन इशू किया है वहां के लिए, जैसे जनरली आपने देखा ही होगा कि अलोंग द ट्रैक जनरली टेम्परेचर हायर साइड रहते हैं, तो लोगों को वहां प्रिकॉशन क्या क्या लेनी चाहिए वो सारा हम डिटेल्स में अपना वार्निंग को इशू करते हैं। तो इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई ने बड़ी सख्ती की है। आरबीआई ने नई क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। तो इस बड़ी खबर पर अब सीधा डिटेल्स लेते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं कि जो सख्ती की गई है आरबीआई की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड्स को लेकर, क्या है पूरी खबर? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर सख्ती क्या की है। दरअसल दो बड़े सख्ती की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक अब कोई नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। जी हां, कोई नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने क्रेडिट कार्ड अवैध हो जाएंगे। पुराने क्रेडिट कार्ड पर जो सर्विसेज चल रही है वो चलती रहेंगे, लेकिन नया कोई क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नया ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा ऑनलाइन मोड के जरिए, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए। अब ज्यादातर कस्टमर, नए कस्टमर ऑनलाइन मोड से या मोबाइल ऐप के जरिए जोड़े जाते हैं, तो अब साफ तौर से ये पाबंदी लगाई गई है कि तत्काल प्रभाव से कोटक महिंद्रा बैंक ऑनलाइन मोड से यानी ऑनलाइन कोई नया ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा, मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए भी कोई नया ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। फिर दोहरा दूं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मौजूदा ग्राहक के अकाउंट को सस्पेंड हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो मौजूदा ग्राहक है उनकी अपनी सेवाएं वहां पर जारी रहेंगी। ये जो पाबंदी लगाई गई है कब तक के लिए लगाई गई, इसका जिक्र रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहीं नहीं कहा है। यह कहा है कि एक एक्सटर्नल ऑडिट कराया जाएगा। एक्सटर्नल ऑडिट के बाद जो खामियां निकल कर आई हैं, वो खामियां अगर दूर होती हुई दिखेंगी, उसके बाद ही फिर ये सुविधाएं बहाल की जाएंगी। अब सवाल उठता है कि कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक ने ऐसी सख्ती क्यों की? इसमें 10, जी हां, एक दो नहीं, 10 खामियां पाई रिजर्व बैंक ने अपने छानबीन में। और ये खामियां पाई गई 2022 और 2023 दो साल के दौरान जो 10 खामियां पाई गई, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खामी ये थी कि जो आईटी इन्वेंट्री यानी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो आईटी इन्फॉर्मेशन होता है उसको रखना पड़ता है, वो रखने के जो कायदे कानून है उस कायदे कानून में काफी बड़ी खामी पाई गई, उसमें लूप होल पाया गया। दूसरा, उसमें यूजर एक्सेस मैनेजमेंट होता है। जो ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं बैंक अकाउंट, दूसरे बैंक की सर्विसेज, उसमें यूजर एक्सेस मैनेजमेंट होता है, उसमें जो गाइडलाइन थी उसमें भी काफी खामी पाई गई है। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, वहां भी खामी पाई गई है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज्यादा चिंता पिछले कई दिनों से चली आ रही थी, कई महीनों से, डेटा लीक को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, तो रिजर्व बैंक ने यह पाया कि डेटा सिक्योरिटी और डेटा लीक के जो प्रावधान थे, यानी लोग ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए जो कदम उठाए जाने थे वो कदम उठाने में कोताही बरती गई है, ये उसकी जांच में निकलकर सामने आया है। बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी की जो व्यवस्था होती थी, कोई आपदा हो जाए तो कैसे उससे निपटना है, उसके लिए कोई खास पुख्ता इंतजाम या सिस्टम नहीं था। इस वजह से ये दो साल के दौरान जब छानबीन में बातें सामने आई, पहले भी रिजर्व बैंक की तरफ से इतला किया गया, लेकिन जब ये दुरुस्त होता नहीं दिखा, तब रिजर्व बैंक ने ये बड़ा फैसला लिया है कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट कार्ड नहीं जारी हो सकेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक नहीं जोड़े जा सकेंगे, मोबाइल ऐप के जरिए नए ग्राहक नहीं जोड़े जा सकेंगे, हाँ, मौजूदा जो सेवाएं हैं वो बदस्तूर चलती रहेंगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि कई सारी खामियां पाई गई और उसके बाद ये सख्त एक्शन आरबीआई की तरफ से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दुनिया भर में पीएम मोदी के काम की सराहना हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर और जेपी मॉर्गन के प्रेसिडेंट और सीईओ जेमी डायमंड ने प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने रिफॉर्म के साथ 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, you know, the liberal press here, you know, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, you know, when we they want trade with us, you know, but we lecture literally, and I go to these countries soon after a lot of our government officials there,
It's like we're fantasizing about, you know, climate and labor and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things? They put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. You know, but I think you have to be tough to break that down, you know, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that. But they all had completely different, it's almost like Europe. They had completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around. And we need a little bit more of that here. चलिए अब बात करते हैं बाजार की. आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी पर लगातार चौथे दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 73,853 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 34 अंक चढ़कर 22,402 पर बंद हुआ. आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल पीएससी और सीपीएससी शेयरों में रही. वहीं आईटी और ऑटो शेयर्स पर दबाव देखने को मिला. तो चलिए मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सहयोगी यतिन मोहता से. तो यतिन, ये बताएं आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है? देखिए, जहाँ तक कि मार्केट का सवाल है, यहाँ आप देखेंगे कि मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त था. निफ्टी के गेनर्स की अगर हम क्लियरली बात करें तो आज हिंडाल्को और मेटल शेयरों में काफ़ी अच्छी खरीदारी थी. सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल रहा. लूजर्स की बात करें तो टाटा कंज्यूमर रिजल्ट्स को एडवर्सली रिएक्ट करते हुए 5% नीचे देखने को मिला. ग्रासिम, बजाज ऑटो और टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में साधारण प्रॉफिट टेकिंग आज आपको आती हुई नजर पड़ी. अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो क्लियरली चेन्नई पेट्रो रिजल्ट्स के बाद और ₹55 डिविडेंड के ऐलान के बाद शेयर में 15-16% का मोमेंटम. एजिस लॉजिस्टिक्स, MRPL और दीपक फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स में आपने 10-12% का इंटरडे मूव देखा. लूजिंग साइड पर अगर आपको देखें तो स्पार्क लगातार चौथे पांचवें दिन ये 5% नीचे जा रहा है. MCX रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक 5% नीचे. SRDM और XID, ये दोनों काउंटर्स में भी आपने थोड़ा बहुत प्रेशर देखा. मेटल गेनर्स की बात करें तो सेल, NMDC जैसी सरकारी कंपनी से 6-8% का मोमेंटम था. रत्नमणि मेटल्स और हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी दिखी. शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए. तो फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल. राजधानी दिल्ली से सटे यूपी की 11 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है. संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने गौतम बुद्ध नगर में मतदाताओं के मूड भांपने की कोशिश की कि आखिरकार वो किन मुद्दों पर वोट डाल सकते हैं. जो डेवलपमेंट अब जिस हिसाब से चल रहा है योगी सरकार में, यही कंटिन्यू रहे और इससे हम लोग काफी खुश हैं. हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हम लोगों के लिए समस्या खड़ी होती है. और स्थाई दुकान नहीं मिल रही है? स्थाई दुकान अभी तक नहीं है. जब हमने फॉर्म भी भर दिए, हम लोगों ने सारे काम कर दिए, लेकिन अथॉरिटी का नियम है कि जब आते तो हम लोगों को भगाते हैं यहाँ से. मतलब 20-25 साल रहते हो गए, मतलब हम लोगों को कोई ठिकाना नहीं है. किन को देखना चाहेंगे अगर 2000? निश्चित तौर से मोदी जी ने बहुत मैच्योरली जो है बहुत हमको प्राउड फील करवाया है पूरे विश्व स्तर पे, जो है सभी लोग मानते हैं इसको. अरे भैया, मेरा कोई मुद्दा नहीं यार, कुछ मुद्दा सुनाई होता ही नहीं. चारों तरफ भाजपा ही भाजपा हो रहा है, चाहे वोट दो तो भी भाजपा, ना दो तो भी भाजपा. भ्रष्टाचार तो अब जो है यहाँ भी खत्म हो चुका है. अच्छा. अब जो जैसे बहुत सारे क्राइम व्राइम हुए, वे सब चीज खत्म हो गई है और सरकार जो है यहाँ तो जो है जैसा बनती आ रही है वही बनेगी. मुद्दा कुछ नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए. हिंदू राष्ट्र चाहिए, एकदम क्लियर कट. बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें कोई इफ नो इफ नो कट. हिंदू राष्ट्र चाहिए. देखो पहले रोड कैसी थी, आज देखो सड़कें कितनी अच्छी बन गई हैं. ठीक है, और हर तरीके से विकास किया जा रहा है. मतलब क्या क्या कमी है, और छोटी मोटी जो कमियां हैं इस बार जीत के उसे पूरा कर दी. तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर के जो वोटर, उनकी राय क्या है? अंदाजा लग ही सकता है कि जो यहाँ पर नोएडा और जो खासतौर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से
जुड़े हुए जो लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश के, वहां पर लोग किस तरह से अपना जब वोट डालेंगे तो क्या क्या मुद्दे उनके दिमाग में होंगे। तो गौतम बुद्ध नगर में वोटर्स जो हैं उनके मन में क्या कुछ है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने जाएंगे, ये आपने सुना। अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, और वहां पर भी हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने वोटर से बातचीत की और जानने की कोशिश की वहां का चुनावी मूड माहौल। राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद में सभी लोग तैयार हैं कि हमें वोट कहाँ करनी है, इसी हित को देखने के बाद में हमारे तैयार है। हमारे जो RW है और पूरे पूरे क्षेत्र के अंदर सर्वे कर रही है, सभी जागरूक कर रही है कि अधिक से अधिक भाव में मतदान हमें करना है। हम प्रधानमंत्री पद के लिए जो नारियों के लिए सम्मान में खड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे सनातन को आगे किया है, जो 500 वर्ष का हमारा इंतजार पूरा हुआ है, तो हम उसी के साथ जाना चाहेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में जिसे पहले से देखते आए हैं, अभी वापस से हम उन्हीं का चेहरा वापस देखना चाहेंगे। 500 साल का इंतजार हमारा खत्म हुआ, राम मंदिर बना, हिंदुत्व के लिए जितना काम उन्होंने किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हम सारा हमारा समाज और ये सब हिंदुत्व के लिए जाना चाहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहिए। आज की डेट में कैंडिडेट या किसी भी XYZ को आप खड़ा कर दोगे BJP के नाम पे, मोदी योगी के नाम पे, वो भी जीत जाएगा, क्योंकि अब तो आने जाने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी लेडीज बहन बेटी आती जाते हैं, रोड भी साफ हो गए बढ़िया, अब तो कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी आने वाले समय हमारे मोदी जी सरकार आएगी। कुल मिलाकर देखें तो जो गाजियाबाद में करीब 30 लाख के आसपास वोटर्स हैं, और माना जा रहा है कि जो वोट का मार्जिन है वो इस बार पिछली दफा के मुकाबले और भी बढ़ सकता है। कैमरामैन दिनेश देवर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, गाजियाबाद। चलिए अब आपको बताते हैं आज शाम के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्लीप एपनिया से, मतलब सोते हुए सांस का रुक जाना। ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज्यादातर मरीजों को पता भी नहीं है। क्या है स्लीप एपनिया की पहचान, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।